Hello everyone, welcome back to Math Teacher YouTube channel, myself Babri Rajput. So in this video we are going to start the last chapter of the chemistry, that is structure of atom, and with that आपका जो chemistry portion है वो पूरा finish हो जाएगा. So structure of atom में basically हम atom के structure के बारे में पढ़ते हैं कि जो एक atom होता है वो दिखता कैसा है, वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, right? इसमें हम atom के structure के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट साइंटिस्ट ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को एक्सप्लेन किया, इन्होंने डिफरेंट मॉडल्स दिए थे. तो हम रदरफोर्ड मॉडल, जे जे थॉम्सन मॉडल, बोहर्स मॉडल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने एटम को एक्सप्लेन कैसे किया था. फिर हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर पढ़ेंगे, देन वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, आइसोटोप्स एंड आइसोबार. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में हैं, एंड बारी बारी हम हर एक चीज़ है वो कम्प्लीट करेंगे. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं. सो वी ऑल नो कि एक एटम होता है. एटम इज व्हाट? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर. कोई भी मैटर है इस वर्ल्ड में वो किससे मिलके बना है? वो एटम से मिलके बना है. फॉर एग्जांपल दिस पेन, दिस इज अ मैटर. तो किससे मिलके बना है? एटम्स, बहुत सारे एटम्स साथ जुड़े, राइट, साथ आए, कंबाइन हुए, तो उन्होंने एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज मार्कर, राइट. तो ये मार्कर भी किससे बना है? एटम से मिलके बना है. मैं किससे मिलके बनी हूँ? एटम से. ये जो वीडियो रिकॉर्ड जिस मोबाइल फोन से हो रहा है वो भी एटम से मिलके बना है. व्हाइट बोर्ड है वो भी एटम से मिलके बना. तो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम, राइट, एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, राइट. सो अब देखते हैं जिसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर बोल रहे हैं वो किन चीज़ों से मिलके बनी है. सो एक सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं. ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं, एंड ये हर एटम में पाया जाएगा. फिर चाहे सोडियम का एटम हो, चाहे नाइट्रोजन का एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, ऑक्सीजन का, नियॉन का, कोई भी एटम हो, ये तीन चीज़ें हर एटम में पाई जाएंगी, राइट. क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन को हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, इसके ऊपर हम माइनस का साइन लगा देते हैं, राइट, नेगेटिव साइन. क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, इसलिए उन पे ई पे एक माइनस साइन लगा होता है, ओके. देन प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम स्मॉल पी और उसके ऊपर एक प्लस साइन लगा होता है. प्लस साइन ये डिनोट करता है कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज. एंड न्यूट्रॉन इज स्मॉल एन, उसके ऊपर जीरो साइन लगा होता है. इसका मतलब होता है न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता, या हम बोलते हैं न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है, राइट. जिस पे जीरो चार्ज होता है उसको हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, ऑलराइट. सो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है जो आपके ये जो थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स को बताता है. एंड दिस टेबल इन इट्सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप इसको पढ़ लोगे तो आपका न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन से कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, राइट. सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से डिनोट करते हैं. इंपॉर्टेंट है, आपको रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए, पता होनी चाहिए. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है, उसको जे जे थॉम्सन नाम के साइंटिस्ट ने किया था. जे जे थॉम्सन वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को खोजा था, ओके. देन प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी ई गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने. एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है. नेक्स्ट इज रिलेटिव चार्ज. रिलेटिव चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस वन. अच्छा, यहाँ पे जो माइनस वन लिखा है वो मतलब ये है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, हम वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वन इलेक्ट्रॉन में कितना रिलेटिव चार्ज होता है, दैट इज माइनस वन. अगर मैं बोलूँ दो इलेक्ट्रॉन पे कितना रिलेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पे माइनस टू हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. वैसे एक सिंगल प्रोटॉन में रिलेटिव चार्ज कितना होता है? प्लस वन. अच्छा, आपको माइनस और प्लस लिख के आना जरूरी है. अगर वो पूछ रहे हैं रिलेटिव चार्ज तो साइन लगाना जरूरी है. आप अगर सिंपल वन लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, काटे जाएंगे मार्क्स, ठीक है. केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होता है जब हम चार्जेस की बात करते हैं तो प्लस माइनस लगाना इंपॉर्टेंट होता है, राइट. सो प्रोटॉन, अगर सिंगल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन की बात करें तो उसका रिलेटिव चार्ज प्लस वन होगा, लेकिन अगर दो की बात करेंगे तो प्लस टू होगा. सो आप इतना समझ गए कि रिलेटिव चार्ज होता है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता रिलेटिव चार्ज 1.5 है, ठीक है. या तो वन होगा, टू होगा, थ्री, फोर, ऐसे करके वो होल नंबर फॉर्म में होगा. वही न्यूट्रॉन की बात करें, सिंस वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसका कितना चार्ज हो जाएगा? जीरो, ठीक है. अब हम अगर बात करें एब्सोल्यूट चार्ज की, तो फॉर इलेक्ट्रॉन इट इज माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. यहाँ पे जो सी लिखा है,
सी इज द यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, सी इज द यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सी को बोलते हैं कूलम्ब. कूलम्ब नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने चार्ज की डिस्कवरी की थी, तो उनके नाम पे हमने SI यूनिट दे दी चार्ज की, दैट इज कूलम्ब. ठीक है, इसको आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे. राइट, सो इलेक्ट्रॉन पे एब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा, माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि माइनस इज द इंडिकेशन कि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं. माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात की. अगर दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना चार्ज हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जो कि हमारा हो जाएगा माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. राइट, तो ध्यान देना यहाँ पे जो एब्सोल्यूट चार्ज है वो वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, वैसे ही प्रोटॉन में सिंगल प्रोटॉन का एब्सोल्यूट चार्ज कितना होगा, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, एंड एब्सोल्यूट चार्ज फॉर न्यूट्रॉन इज 0 कूलम्ब्स. ठीक है, अगर हम मास की बात करें तो मास फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, अगेन सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात है, तो दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजीज. एंड फॉर सिंगल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का कितना मास होगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजीज. एंड वन न्यूट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजीज. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का अप्रॉक्स सेम ही मास होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास डिफरेंट होता है. और अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में से सबसे हल्का कौन होता है, सबसे लाइट वेटेड कौन होता है, तो दैट इज इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटेस्ट. ये क्या होते हैं, सबसे हल्के होते हैं, एक एटम में पाए जाते हैं, दे आर द लाइटेस्ट, सबसे हल्के होते हैं इलेक्ट्रॉन. आप देख सकते हो 10 टू द पावर माइनस 31 लिखा है, माइनस में चल रही है पावर, तो ऑफ कोर्स क्या ये छोटा नंबर है, 10 टू द पावर माइनस 27 क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा. तो ये छोटा नंबर है, इनका मास कम है, तो ये हल्के होंगे, मतलब दे आर द लाइटेस्ट. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द लाइटेस्ट. ओके, एंड ये किसका मास है, हमारे सिंगल सिंगल सब अटोमिक पार्टिकल का मास है, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, सिंगल प्रोटॉन का मास इतना है. अगर हम दो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो 2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 हो जाएगा. ठीक है, उसको आप अपने तरफ से लिख लेना. ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एटम होता है, आप उसको यूनिवर्स से कंपेयर कर सकते हो. जैसे यूनिवर्स में क्या होता है, बीच में सन होता है, एंड आसपास क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं, एंड सिंगल ऑर्बिट में सिंगल प्लैनेट है वो मूव करता है. डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है, यहाँ पे सिंगल ऑर्बिट में सिंगल प्लैनेट मूव करता है. जब हम एक एटम की बात करते हैं तो वहाँ पे 1 to 8 इलेक्ट्रॉन एक शेल में या एनर्जी लेवल में मूव कर सकते हैं. आपको जो कंसेंट्रिक रिंग्स दिख रही हैं, इनको हम एटम से अगर कंपेयर करें, अच्छा ये आप एटम मान लो एक, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है, ये बीच में होता है हमारा न्यूक्लियस, एंड आसपास कुछ कंसेंट्रिक रिंग्स पाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं या तो शेल्स बोलते हैं या हम उनको एनर्जी लेवल बोलते हैं. ठीक है, एंड उन एनर्जी लेवल्स या शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं. सो ये यूनिवर्स जैसा हो गया, यूनिवर्स में जैसे सोलर सिस्टम होता है उसका ये रिप्रेजेंटेशन हो गया. ठीक है, ऑल राइट, सो लोकेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं एक एटम में, तो ये हमारा क्या था, ये न्यूक्लियस था. ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स हमने देख लिए कि ये न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं इन दी शेल्स और एनर्जी लेवल्स, मतलब ये कहाँ पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस के बाहर पाए जा रहे हैं, सो आउटसाइड दी न्यूक्लियस. राइट, प्रोटॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, ये जो न्यूक्लियस आपको दिख रहा है डेंस सर्कल, इसके अंदर पाए जाते हैं प्रोटॉन्स. एंड सेम विद न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं. एंड प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स को हम मिला करके न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, दे बोथ आर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस, राइट, दैट्स वाई दे आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. ओके, वाइल इलेक्ट्रॉन इज फाउंड
आउटसाइड द न्यूक्लियस. सो इम्पॉर्टेंट है, पूरी टेबल ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है एंड यू कांट स्किप सिंगल थिंग. सो बहुत ही छोटी सी टेबल है, यू शुड लर्न इट, राइट. सो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही रखा है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जो डिफरेंट साइंटिस्ट ने दिया था टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एक एटम है वो कैसा दिखता है एंड उनमें कौन कौन से सब अटोमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, राइट. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.